हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाड़ी से कुचलने के जानलेवा हमले के आरोपी की निशानदेही पर कार जब्त। धनला पंचायत में कोलपुरा गांव के गोविंद लाल पुत्र मनरूप राम सुतार पर कार से कुचलकर मारने वाले अभियुक्त कोलपुरा निवासी सुरेश कुमार पुत्र पूरा राम की निशानदेही पर सिरियारी पुलिस ने सुरेश कुमार के खेत से इयोन गाड़ी RJ22CB1385 को जब्त किया। साथ ही लोगों को डराने धमकाने के लिए रखी हुई एयरगन को भी बरामद किया है। ज्ञात रहे कि सुरेश कुमार पुत्र पूरा राम जाति मीना निवासी कोलपुरा पोस्ट धनला पुलिस थाना सिरियारी ने अपने कार से गोविंद लाल पुत्र मनरूप राम जाति सुथार निवासी कोलपुरा को जान से मारने हेतु जानलेवा टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया था, जिस पर पुलिस थाना सिरियारी ने सुरेश कुमार, सुरेश कुमार की पत्नी कमला और जालंधर निवासी टीकमराम मेघवाल के खिलाफ मुकदमा संख्या 117 दिनांक 2/7/2018 धारा 307, 308, 506, 34 IPC के तहत दर्ज किया गया और जांच पुलिस उप अधीक्षक सोजत को सौंपी गई, जिस पर सिरियारी पुलिस ने थाना अधिकारी राम निवास बिश्नोई के नेतृत्व में हंसराज मीणा, मलाराम, राकेश कुमार बिश्नोई, विक्रम सिंह ने 26/7/2018 को मुलजिम सुरेश कुमार मीणा को गिरफ्तार किया और 27/7/2018 को सक्षम न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में पेश किया, जिसे एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में सौंपा गया था। इससे पूर्व अपर सेशन न्यायालय पाली मुलजिम सुरेश कुमार मीणा का अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर चुके थे। मुलजिम सुरेश कुमार मीणा आदतन अपराधी है और पूर्व में मुलजिम सुरेश कुमार मीणा के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या, मारपीट के अनेक मुकदमे दर्ज हैं। मुलजिम सुरेश कुमार और उसकी पत्नी कमला ने लोगों को ब्लैकमेल करने और रुपए हड़पने हेतु कई झूठे मुकदमे भी किए हैं। मारवाड़ जंक्शन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।